हे गाइस, वेलकम बैक टू जिया का जायका। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, हमने एक बोल लिया है, इसमें डाल देंगे बेसन, अब ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, कूटी हुई धनिया, कलौंजी, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, जीरा, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। इन सारी चीजों को बेसन में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके अच्छे से मिलाएंगे और बेसन के बैटर को रेडी कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल, और डाल देंगे जीरा, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, हरी मिर्च। इन सब चीजों को एक मिनट अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज अच्छे से मिला लेंगे। और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। कूटी हुई धनिया, चिली फ्लेक्स अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैश किया हुआ बॉइल्ड आलू, अच्छे से इसमें मिला लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया का पत्ता, और इन तीनों चीजों को आलू में अच्छे से मिलाएंगे। इस
इसमें डाल देंगे लेमन जूस, इससे इसमें हल्की खटास आ जाएगी। अब हमारी ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग रेडी है। अब हमने ब्रेड स्लाइस किया है, अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बीच से। अब हमने धनिया की चटनी तैयार की है, इसे ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू की फिलिंग। ये देखिए इसे इस तरीके से फैला देंगे। अब हम अपने दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को रेडी करेंगे। ये देखिए हमने इसे भी रेडी कर लिया है। देखिए हमने इसी तरीके से सारे ब्रेड को रेडी कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और हम अपने ब्रेड को बेसन के बैटर में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से। अब हम इसे तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से सारे ब्रेड को बेसन में डिप करके ऑयल में डाल देंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हम इसे एक फोर्क की हेल्प से पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरीके से हम इसके दूसरे तरफ को भी अच्छे से पकने देंगे।
ये देखिए अभी फ्राई हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पकौड़े को फ्राई करेंगे। इसे भी पलट लेंगे। ये देखिए अभी भी फ्राई हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।